ये देखिए जी, चैलेंज की तैयारियां शुरू हो रही हैं। तो ये साइड पे हो जरा सा का, तो ये फुल फॉर्म में है यार। ये बस निकल ना, ये पता चले हमें एग्जाम लगाएंगे, सब कुछ निकल चेक कर लेते हैं पीछे। तो ये वो कंफर्म आ रहेगा ना, इसकी तो गारंटी है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज है ट्यूसडे। आज ट्यूसडे है यार, और सबको छुट्टी है। शुएब लोगों को छुट्टी है, वैस भाई को छुट्टी है, सबको छुट्टी इसलिए है क्योंकि इमरान खान का जो मसला हुआ था, जो उसे फायर वगैरह लगा था, तो यहाँ पे ना इस्लामाबाद पिंडी यहाँ पे सब कुछ बंद है। तो पापा को भी छुट्टी ऑफिस से, और सब मतलब कि ऑफ है। तो आज सब घर हैं, और मैंने की हुई है डाइट। हाँ, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मेरी डाइट ख़राब हो गई थी, बट अब मैंने डाइट कल भी बहुत अच्छी की है। मैं व्लॉग नहीं बना सका, तो आज मैंने कहा व्लॉग भी बनाऊंगा। तो बहुत टफ डाइट है, बट करनी तो है। तो अभी बस मैं उठा हूँ, अभी मैं मुँह हाथ धोऊंगा, तो उसके बाद मैं नाश्ता करूँगा, उसके बाद नहाऊँगा। ठीक है गाइस, तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। शेप भी सुबह सुबह बैठा हुआ देख रहे, क्या गेम्स देख रहे हैं? गेम ऐसे बच्चे स्टॉप करना है, बच्चे लगे हुए सिर्फ। मैंने आज छुट्टी है फिर? हाँ छुट्टी। ये गुड न्यूज़ कब मिली? यकीन नहीं था कि मैं छुट्टी मिलेगी। ये गुड न्यूज़ कब मिली? ये कल रात तकरीबन 9:30। अच्छा, अवैस भाई भी रेडी हो गए थे, और अवैस भाई आप उसको सुबह पता चला? मैंने ईमेल रात की आई हुई थी भाई, मैं शुक्र है मैंने निकलने से पहले देख ली थी। हाँ, तो अभी भाई घर काम कर रहे हैं आज? वर्क फ्रॉम होम है। तो आज भाई का भी वर्क फ्रॉम होम है, तो अभी बस उठे हैं। अवैस भाई लोगों ने तो नाश्ता कर लिया, मैं अभी उठाऊँ तो अभी मैं नाश्ता करूँ। सर ब्रेकफास्ट मेरा आ गया है, 3 eggs हैं जिसमें से मैं एक फुल एग खाऊँगा, बाकी जो दोनों हैं वो मैं एग वाइट खाऊँगा। साथ में चाय है, साथ में ब्रेड है। ब्रेड मैंने इसलिए रखी है, अगर मतलब मुझे हुआ यार कि हाँ अभी भूख है तो मैं ब्रेड खा लूँगा, एक स्लाइस मैक्सिमम, एक स्लाइस, अदरवाइज़ मैं ब्रेड नहीं खाऊँगा। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि अभी भूख भी लगी है, इतना हैवी है भी नहीं ब्रेकफास्ट। तो एग्स खा लिए मैंने, लेकिन पेट जो है वो अभी भी भरा नहीं है, तो एक स्लाइस खाऊँगा मैं, ताकि क्योंकि उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जो मेरी मील होगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, वो मैं ख़ुद बनाता हूँ, तो बड़ी मेहनत से बनती है, वो मैं बनाते हुए दिखाऊंगा आप लोगों को। हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट डन हो गया था, अभी मैं काम करने लगा हूँ, काम कर लूँ उसके बाद फ्री होके नहा के उसके बाद मिलते हैं हम आप लोगों से। सो गाइस, काम कर लिया मैंने, अभी बस नहाने जाने हैं मैंने, फिर रेडी होऊंगा, फिर देखते हैं क्या करना है। और ये भाई आज तो छुट्टियाँ, हाँ जी, कल भी छुट्टी, आज भी छुट्टी, मज़े मज़े। तो आज क्या फिर करना है? आज की चैलेंज वीडियो ना बना लेते कहते खाओ, खाने पीने वाली चैलेंज वीडियो बनाए ना। लेकिन अब मसला पता है क्या, मैंने भी डाइट शुरू कर दी। आपकी डाइट देखी थी मैंने कल, क्या जो सुबह डाइट शुरू किया रात कढ़ाई खा ली। लेकिन कल मैंने जो डाइट की है ना भाई, रोटी भी नहीं खाई, रोटी कल मैंने खाई नहीं है। सही बात, चावल तो खाया ना, वो तो चावल डाइट पे थे ना, थोड़े से चावल, वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर चिकन था साथ मेरे। आज मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगा ना कि जो जो खा रहा हूँ, अभी आप लोग देखिएगा भाई। तू वो खा के दिखाई ना एक दिन में मुझे, मैं मान जाऊंगा तुझे। चल डन, रोटी नहीं खानी, डन डन है। तू 5 रोटियां दिन में खाता है गाइस। तैयब की ना अभी मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी नहीं है, कोई इसकी पिक्चर मिल जाए ना पुरानी जिसमें ये इतना सा होता था, इतना सा होता था। चल मुझे व्हाट्सएप दे, ये बिल्कुल इतना सा होता था। और फिर अच्छा ये नहीं कि ये नेचुरली मोटा है, माशाल्लाह खाता पीता जबरदस्त कर गया इसलिए मोटा। अब ये ना कहीं कि नहीं खावर में झूठ बोल रहे हैं, फोटो आपने मैं, लेकिन ये मैं सच कह रहा हूँ ना, मोटे कैसे हुए हो? मिक्स। क्या क्या मिक्स? खाते पीते नहीं हो? खाता। तो फिर हर बंदा खाता है, हर बंदा फाड़ता नहीं है। तुम खाते नहीं हो, तुम फाड़ते हो, असल मसला सारा ही है। सो गाइस, अभी बस मैं नहा लूँ, उसके बाद मिलते हैं, फिर करते हैं कोई आज चैलेंज वीडियो भी बनाएंगे, फिर सोचते हैं कुछ क्या करना है, करते हैं कुछ। अच्छा मैं ना अपनी वीडियो अपलोड की है, तो तैयब साथ बैठा था। तैयब को मैं बताता हूँ सीन, जो आप लोगों को भी पता चला, ये थंबनेल मैंने बनाया यार, थंबनेल बनाने में ना बड़ा टाइम लगता है। अच्छा मैंने अपनी पिक्चर लगा दी, ईशा की लगा दी, ताहा की लगा दी, सारी जब सेटिंग होगी आरी सैफुल्ला की भी लगा दी, सब बन गया ना। तो अनाबिया की पिक्चर मैंने लाई, तो पिक्चर अनाबिया की मैंने यहाँ पे पेस्ट की, जैसे ही मैंने पेस्ट करने के बाद उसकी पिक्चर मैं काटने लगा था, जो पिक्चर एडिट हुई थी वो क्रॉस हो गई मुझसे, और जब क्रॉस हो जाए वापस नहीं आती। इतना यार, इतना मतलब उस टाइम गुस्सा आया था ना, फिर दोबारा से सारी जो पिक्चर थी मैंने एडिट की है,
और अच्छा एक बार बना लो ना, दूसरी बार अगेन एडिट करने का दिल भी नहीं करता, तो ये बड़ा मेहनत हुई है। और आप लोग ये व्लॉग लाजमी देखिएगा गाइस। तो गाइस हम लोगों ने अभी चैलेंज वीडियो बनानी है तो उसकी तैयारी में लगे हैं, और इन्हें एक दो चीज़ें मैंने वो निकाल के दी हैं ना, उनको प्रिंट करवानी है। तो चैलेंज बड़ा ज़बरदस्त होगा, बस अच्छा चैलेंज बन जाए। अब बस डिसाइड करें बनाएं कहाँ पर। हमारा पहले दिल था इस जगह पर हम टी वी लॉन्च में करें, लेकिन घर में सारे हैं वो फिर उस तरह मज़े की बन नहीं सकती। तो अभी रेडी वगैरह हो जाओ, ठीक है दोनों, छुट्टी भी है ना आज तो। कल भी छुट्टी होगी या कोई पता नहीं, अभी बताएंगे आगे। तो अभी चैलेंज वीडियो बनाएंगे। तो गाइज नहा लिया मैंने, शुएब लोग भी नहा रहे हैं क्योंकि उसके बाद हमने बनानी है चैलेंज वीडियो। तो मेरा टाइम हो गया सेकंड व्हील का। अच्छा दिन का खाना मेरा, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। कैबेज होगी थोड़ी सी, गाजर आ गई, ककम्बर खीरा आ गया और लेमन होगा। अच्छा ये हाफ़ इसलिए है ना क्योंकि हाफ़ मैंने कल खाए थे तो हाफ़ में आज। तो ये मैं अपना खुद ही बनाता हूँ क्योंकि कटर होता है, ईजीली कटिंग हो जाती है। तो ये बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद खाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो अभी मैं ये काटने लगा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा इस कटर का ये फ़ायदा है ना, इससे ना ये कटर ना होता तो फिर ये मैं काम ना कर रहा होता। ये कटर बहुत ईजीली ना से कटिंग हो जाती है। देखें परफेक्ट यार, ये ना ये जो सैलेड है ना ये इतना अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। सेंटर से एक कट लगा के फिर डबल काट देंगे। ये काटना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसका मैं लाइक इस तरह करूँगा ऐसे। ओ यार ये बाइक नहीं जा रहा है सारा बाइक, ये तो सारा बाइक गया था। लेमन जो होता है ना ये एक तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा कर देगा, और दूसरा लेमन जो है वो आपका ना फैट लूज़ करने में हेल्प करता है। तो अभी हाफ़ लेमन डालूंगा क्योंकि पूरा मैंने डाला वो इतना खट्टा हो जाएगा वो खाया नहीं जाता। अच्छा इसमें से मैं बीज पहले निकाल लूँ, बीज अंदर चले जाए वो फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा अब आपको ना इसकी सबसे मेन चीज़, जब आप लेमन डाल लेते हैं ना, लेमन डालने के बाद आपने रखनी है एक प्लेट लेनी है, वो इसके ऊपर रखनी है और उसे करना है मिक्स। हाँ तो भाई देखा आप लोगों ने, मैंने अपना सैलेड ख़ुद तैयार किया है और ये हो गया रेडी। ये आपका फैट लूज़ करने के लिए यार इतनी फिट चीज़ है ना, देखिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है और ये बहुत फिट है। अगर आप ये दिन को मतलब एक दो बजे आप अगर ये खा लें तो ये बहुत बेस्ट है आपके लिए। और अगर आपको और भी भूख लगी है तो आप एग खा सकते हैं साथ, एग वाइट। लेकिन मैं अभी एग नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने जिम जाना होता है, तो वो मैं जिम जाते वक्त खाऊंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैं उठ रहा था, मतलब बस वो कहते हैं ना खाते वक्त और काम नहीं करने चाहिए। मैं उठ रहा था यहाँ से, टेबल मुझसे इस तरह साइड पे हुआ, मोबाइल भी नीचे गिर गया। शिट मैं साफ़ कर लूँ। ये दुख इस बात का है कि अब दोबारा से बनाना पड़ेगा यार, बहुत बैड सीन हुआ है। मैं दरअसल ना वो एक टिकटॉक आ गई, मैंने कहा ये बना लेते हैं, तो मैं वो टिकटॉक बनाने के लिए उधर बैठने लगा था ना, तो बस मुझसे स्लिप हुआ सब जो सब नीचे गिर गया। साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि मम्मा ने अभी सफाई की है, तो अब मैं मम्मा को तो कह नहीं सकता, तो मैं ये साफ़ कर लूँ। जल्दी कर लो यार, कितनी देर है, जल्दी करो। कब से इन लोगों का वेट कर रहा हूँ, कब से। अब यही खाना पड़ेगा, अब नहीं काटने होता सलाद। बट मैंने अब हाथ से ज़्यादा खा लिया था। अब शेयर मंसूर तैयार, रेडी हूँ, चैलेंज बनाए, फिर मिलते हैं। तो गाइस हम सब रेडी हो गए हैं, खाओ लोग क्या कर रहे हैं। मेहनत करनी पड़ती है चैलेंज वीडियोस के लिए, बहुत मेहनत लगती है। आज तैयब ने पहनी है पैंट शर्ट, बड़ी बात है। देखते हैं क्या होता है, खर्चे मर्चे हो रहे हैं, अब क्या करें, करना पड़ता है चैलेंज वीडियोस के लिए। व्यूज तो कितने नहीं आ रहे लेकिन इंशाल्लाह मंसूर भी दिखा रहे, मंसूर भी रेडी हो गया, अब शेव खाना खा रहे, अब सब रेडी हो गया, अब शेव खाना खा रहे, अब उसका वेट है, वो आए फिर जाएंगे छत पे और वीडियोज बनाएंगे। बॉयज रेडी हैं,
लेकिन अब समझ नहीं आ रही वीडियो बनाएं कहाँ पे। मंसूर लोगों के छत पे जाएंगे, वहाँ पे तोतों का शोर, और हमारे छत पे इतनी बड़ी स्पेस, लाइक चारों तरफ दीवार है तो रोशनी नहीं उस तरह आती। तो अब क्या किया जाए यार, इन तोतों का कुछ कर ले भाई। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि साइड पे कर देते हैं हम, शोर तो इनको होता है क्योंकि वो अंधेरे में चुप होते हैं। दरअसल इसका जो तोतों का जो पिंजरा है ना, वो इतना बड़ा है कि वो किसी रूम के अंदर भी नहीं जा सकता। अब ये भी एक साइंस है ना, अब इसका क्या किया जाए, क्या कोई तो चेक करते हैं रूम में चला जाए, चेक करते हैं कोई जुगाड़ लगा के कर ले। अभी कुछ करने हैं, कुछ तो हल निकालना है। वीडियो तो आज लाजमी बनानी है क्योंकि आज इन सबको छुट्टी है, वरना तो ये लोग, हाँ कल भी छुट्टी है, कल भी कोई वीडियो बना लेंगे, लेकिन आज लाजमी वीडियो बनानी है आज फुल फॉर्म में। जो नीचे है ना इन्हें कहीं नहीं, मंसूर कह रहा है साथ वाले घर की जगह बहुत फिट है, उनसे बात ना करें। हाँ उन्हें क्या कहें, हमने वीडियो बनानी है। अच्छा जो हमारे साथ नहीं रहता यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन यार वैसे जगह वाकई इनकी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जगह वाकई ये जो घास भी है ना यहाँ पे सारा सिस्टम बैक पे भी बड़ी फिट है। बट चले अभी गाय छत पे जाते हैं, देखते हैं तोतों की आवाज़ बंद करनी है किसी तरह। इस चीज़ का ना ये जो इसने इतने तोते रखे हुए हैं ना, इनका शोर बहुत होता है। हालांकि लोकेशन हमारे पास अच्छी है, लेकिन अब मसला ये है कि लास्ट टाइम भी हमने जो वीडियो बनाई थी उस पर भी ना तोतों का बहुत शोर था। कुछ यहाँ पे हैं और आई थिंक इधर भी रखे हुए हैं, इधर भी रखे हुए हैं इसने कसम से। ये जितना थकना पड़ जाता है यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। अब तोते अच्छे हैं, खूबसूरत है, लेकिन इनका जो शोर है ना ये वीडियो ख़राब कर देता है। अब ये बड़ा मसला है यार, यकीन करें कि कुछ समझ नहीं आ रही। अब ये सारी लाइट्स भी ऑन की हैं यार, कुछ रोशनी आ जाए यहाँ पे, हम कह रहे थे बना ले, बट यहाँ पे भी ना एक साइड से रोशनी आती है, एक साइड से साया आ रहा है। ओ मोटू मोटू कुछ कर, कुछ कर, रूम में नहीं बन सकती, रूम में मैं खाता हूं। रूम में लेकिन इतनी जगह नहीं बनेगी ना यार, ये भी बड़े मसले हैं ना। रोशनी तो है लेकिन मसला ये है ना यार। वैसे कि मंसूर यहाँ पे हम कैमरा करें तो हो सकता है यार, हम भी शूज़ पहन के आए थे, शुएब भी शूज़ पहन के आया था, लेकिन अब शूज़ हमें उतारने पड़ेंगे क्योंकि हम बनाएंगे रूम में वीडियो। तो क्योंकि और कोई जगह मिल नहीं रही, बाहर शोर है फिर वीडियो सही बनती नहीं है, तो अभी रूम में वीडियो फाइनली हम वहाँ पर ही बनाएंगे। ये हमारे सामने है आर्मी का एरिया, आप लोगों को दिखा दे। आर्मी हमारे घर के सामने रहती है, सामने काम नहीं करता ना, ये बोर्ड निकाल रहा था, दिखा टक की है, कहता है कुछ नहीं होता खबर भाई, कुछ नहीं होता। क्या मसला है, क्या मसला है, नया ले आओगे किस सदी में? शायद एक बड़े फनी बात बताता हूँ, तैयार कहता है खबर भाई ये एयर फ्रेशनर छुपा रहा है ना अभी यहाँ पे इसने रखा है ना, कहता है खबर भाई एयर फ्रेशनर भी ना कर दूँ। तो मैंने कहा एयर फ्रेशनर इसलिए कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि भाई लोग वीडियो देखेंगे उन्हें खुशबू जाएगी। तूने क्या सोच के कहा, ये देखिए जी चैलेंज की तैयारियां शुरू हो रही हैं, तैयार फुल फॉर्म में है यार। ये निकलना है, पता चला हमें एग्जाम लगाएंगे सब कुछ निकलना है। तैयार तो कन्फर्म आ रहेगा ना, इसकी गारंटी है। ये देखें जी फुल ट्रैक रेडी हो गया है और वॉइस भी रेडी है। तैयब तूने आराम से जंप लगा ली है, ये ना तू ऊपर से जंप लगाए नीचे से कोई ऊपर आ जाए, हो क्या रहा है भाई। देखेंगे वीडियो बनवानी है, सॉरी अपनी पिक्चर्स बनवानी है, फैन इतनी सर्दी में पंखे फुल करके शर्ट अपनी सुखा रहा है यार। मंसूर ये क्या लॉजिक है, सूख गया सूख गया, चल अब जल्दी कर जल्दी कर यार। ये इतना वो होना चाहिए कि पिक्चर के लिए फुल पंखा लगाया हुआ है, और शर्ट कौन सी पहनी है, स्वेटर वाली, क्या बात है भाई। भाई वाह तैयब, ये तूने अपनी डाइट के लिए करेले लगा लिए हैं। करेले नहीं, ये पकते भी हैं मंसूर, नहीं पकाए हैं कभी, खाए भी हैं, एक मुद्दा पकाए थे सही है। ये देखे वाह तैयब वाह, पानी तूने कभी डाला नहीं है, बता दो ऐसा। हमने ये ना होना चाहिए। ये देखें इसके पांव कहां पे निकले हुए हैं, जूतियों से बाहर। ये तेरी हर जूती है तुझे इतनी बड़ी क्यों होती है, तू मुझे ये बता। बड़ी नहीं छोटी होती है। हर जूती एक मिनट पीछे नहीं गाइस, ये देखें पीछे नहीं आगे कर ना पांव, ये देखें ये ना पीछे स्टार बॉक्स में बंद करा से। इसकी हर जूती इसे किसी में इसका पांव बाहर है किसी में, क्या यार क्या लॉजिक है भैया। सो गाइस हम लोग जिम के लिए निकल चुके हैं। मंसूर यार इतना टाइम लगा देते हो तुम लोग रेडी होने में, आपने 6:30 का टाइम बताया हुआ है, मैंने 6:30 में जाना है। और हाँ तैमूर भी हमारे साथ जिम जा रहा है, तैमूर आधे रास्ते में ही
आधे रास्ते में ही तैमूर ऑफिस चला जाएगा क्योंकि जिम इनके बस की बात नहीं है। जब बंदे ने लगानी होती है बंदा टाइम निकाल लेता है, जब नहीं लगानी होती बंदा पता क्या कहता है, टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है। ये हकीकत बात है और ऐसा ही होता है। गाइस अभी जिम जा रहे हैं तो देखते हैं, फिर जिम लगाते हैं, उसके बाद घर आते हैं, फिर करते हैं। आवर भाई लगे हुए हैं, पेट की गेम में जा रहे हैं। आवर भाई आज शेम में बैठे हैं, मैंने सिक्स पैक लगाने से, लेकिन मैंने पैंट पहनी है सब सिक्स पैक से हमने लगाई है पैसे। तो जिम में वीडियो बना नहीं बना सकते, इतना शोर होता है, इस वजह से। गाइस कुछ बॉडी बिल्डर मंसूर जैसे लेजेंड्स होते हैं जो रोटी खाए बगैर जिम लगाने आ जाते हैं, इतना जुनून कैसे? बस अभी सुबह नाश्ता ही लेट किया तो फिर दिन को दिल ही नहीं था। गाइस 12 बजे नाश्ता किया, वो लेट होता है, 12 बजे से लेके अभी क्या टाइम हुआ है, अभी हो गए तकरीबन 7:45 हो गए, 12 से लेकर 7:45 बजे तक कुछ नहीं खाया, जिम लगाने आ गया, जिम भी फाड़ू लगाई। क्या बात है भाई, हिम्मत है, इतनी हिम्मत हमारे में नहीं है। डाइट करते हैं यार, मैं डाइट करता हूँ पर मैं डाइट पे प्रोटीन लेता हूँ, चिकन खाता हूँ। तुम असल में मैंने अभी अंडे बॉयल किए, आप आ गए ऊपर से, आपने 6:30 का टाइम दिया है, मैंने लग गया। हाँ भाई गलती हमारी है भाई, ठीक है जी, गलती हमारी है। सो गाइस जिम से वापस आ चुके हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, चिकन तैयार हो रहा है, उसके बाद चिकन खाना है, फिर व्लॉग की एंडिंग करनी है। सो गाइस यहाँ पे हो रहा है मेरा चिकन तैयार, तो बस इसका इंतज़ार है, ये रेडी हो जाए उसके बाद ये खाना। सो गाइस मैं भूल ही गया था, मैंने आधा खा लिया आधा रह गया, तो चिकन रेडी हो गया था तो मैं ये खा रहा हूँ क्योंकि इतनी सख्त भूख लगी है ना, यकीन करें कि जब 2 दिन हो गया रोटी नहीं खाई, डाइट चल रही है तो वजह से इतनी शदीद भूख लग रही है ना, तो बस ये मैं खा लूँ।